अच्छा, अगर वेबसाइट मॉकअप बनाना हो, मीन अगर आपको कोई अपनी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट देता है या फिर वेबसाइट का लिंक देता है कि आपने उसकी वेबसाइट किसी मॉकअप के अंदर फिट करनी है या कहीं और पे, तो आप फिट कर सकते हैं। अब वो बायर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बायर कहता है कि कोई भी मॉकअप हो, तो आप जस्ट गूगल images.google.com है, और वेबसाइट मॉकअप PhD भी ना लिखें, बस जस्ट वेबसाइट मॉकअप लिख के सर्च करें, तो आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, जिनको आप यहाँ पे इजीली, यहाँ पे तो नहीं मतलब कि फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। ये देखें, उसके अलावा आप फिर यहाँ पे मज़ीद अच्छे अच्छे कीवर्ड, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ना भी हो तो जब आप काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं करता हूँ गर्ल विथ लैपटॉप, तो अब इसके लैपटॉप के अंदर फिर आप उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं, वेबसाइट के जो भी कुछ लगाते हैं, जैसे ये वाली इमेज है। अगर इसके अंदर वो आपको कह रहा है कि मुझे मेरी वेबसाइट का कुछ लगाना है या फिर और कुछ कोई इमेजेस वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। फिर सबसे पहले इमेज को सेव करें, उसके बाद आपको वो एक इमेज ऐसी देगा वेबसाइट की, तो मैं वेबसाइट की स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। इमेज को लॉक करके इसकी सिलेक्शन सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं पिन टूल यूज़ कर ले। तो अगर आप ये नहीं भी करते तो इसको छोड़ दें, जैसे मैंने आप लोगों को अभी तक बताया वही तरीका यूज़ कर लें। मैं इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, जैसे आपको अभी तक मैंने उसमें बताया बिजनेस कार्ड के मॉकअप जो हम बना रहे थे, तो कंट्रोल टी करें और उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए एक कोने से इसको पकड़ कर यहाँ पे छोड़ें, दूसरे से यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, तीसरे से, और लास्ट जो चौथे कोने से जब आप इसे छोड़ेंगे, ये इसका जो लुक है वो इसे अंदर की साइड पे हो जाएगा। अब इसको जूम करें दोबारा, और कंट्रोल टी, और अगेन इसको ऐसे। अच्छा, अभी इसकी स्नैपिंग हो रही है, तो आप सेलेक्ट में आके, सेलेक्ट में नहीं बल्कि यहाँ से, चलिए स्नैपिंग तो फिलहाल ऑफ है, ठीक। तो ऐसे आप मतलब इजीली किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं है मैंने यहाँ पे लगाया तो बस यही पॉसिबल है, बाकी आप कुछ नहीं लगा सकते, किसी और पे नहीं लगा, हर चीज़ पे आप लगा सकते हैं। जस्ट आपके पास कीवर्ड का होना लाजमी है, और उसके अलावा अगर कीवर्ड ना भी हो, जो आप जो कुछ आपको बायर देता है उस पर आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको बायर कहते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने फाइवर पर दिखाए थे, वहाँ पर वो कह रहे थे कि आई विल एड योर लोगो ऑन ऑफिस वॉल, या फिर आई विल एड योर लोगो ऑन बिल बोर्ड, तो जस्ट यहाँ पे लिखें बिल बोर्ड,
और मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि यहाँ से लेके इसको कट करें, उसके बाद फिर कोई दूसरी जगह में लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बिल बोर्ड है, इसकी कटिंग करें, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट या फिर जो कंट्री आपको बायर कहता है या जिस कंट्री की ज़्यादा वैल्यू है, डिमांड है, उसमें इसको लगा दें और कह दें कि मैं आपको उस कंट्री पे, कंट्री में एक बिल बोर्ड लगा होगा रोड की साइड पे, मैं आपको आपका जो बैनर है, एडवर्टाइजमेंट है, वो मैं उस पर लगा के दूंगा। तो यहाँ से आपने कुछ भी कोई भी बिल बोर्ड उठा लेने और उसके ऊपर वो लगा लेने। फिर जैसे उन्होंने कहा था फाइवर पे के ऑफिस वॉल के अंदर आपके लोगो वगैरह को मैं सेट करके हम देंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऑफिस वॉल। अच्छा, ऑफिस वॉल लिखना था। तो सर्च टूल साइज इसका थोड़ा सा ज़्यादा करें, 2 मेगापिक्सल, और यहाँ से इमेजेस आप उठा सकते हैं, जैसे ये इमेज है। उसके अलावा चलिए मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। ये पेज ओपन ही नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से कोई और देख लेता हूँ। अच्छा, ऐसी जो वाल्स होती हैं इन पे भी आप लगा सकते हैं, ये नहीं है कि इन पे नहीं लगा सकते। जस्ट आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कहाँ पे चीज़ों को कैसे फिट किया जाता है और कौन सी जगह पे कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए आई होप कुछ भी इशू फिर नहीं होगा। चलिए मैं इसी को सेव कर लेता हूँ और इस पे FUH वाला जो लोगो हमने लोगो डिज़ाइन सेक्शन के अंदर डिज़ाइन किया था उसको लगा लेते हैं। मैं इस लोगो को मूव करके इधर लेके आता हूँ, इस पे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा नहीं हुआ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगेन। पहले माउस का बटन आपने छोड़ना होता है, अब दोबारा कंट्रोल टी और पर्सपेक्टिव। तकरीबन इसको ऐसा कर दें। उसके बाद फिर सिंपली आपने करना ये कि इसकी सिलेक्शन लें, अब नीचे वाली लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी लें, डुप्लीकेट कॉपी पहले सिलेक्शन से पहले आपने लेनी होती है। अब ऊपर लेयर पे मतलब जस्ट कंट्रोल का बटन आपने प्रेस रखना होता है और जिस लेयर की सिलेक्शन लेनी होती है उसके अंदर यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब नीचे एक लेयर को मैं हाइड कर दूँ, कंट्रोल सी, और उसके बाद अगर आप कंट्रोल वी करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा जो कुछ हमने कॉपी किए भी है, वॉल्स का जो कुछ कॉपी किए, बट ये प्लेस पे पेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट पेस्ट पे प्लेस करने पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट वी यूज़ करते हैं। और उसके बाद भी हाँ, इसको आप ड्रॉप शेडो दे दें थोड़ा सा। ड्रॉप शेडो देने के साथ ही जैसे आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेक्स हमारा शो हो जाएगा, मीन सिलेक्शन के थ्रू जो कुछ हमने भी इफेक्ट बनाने की कोशिश की है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर बेवल एंड एम्बोस करते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप लोगों के सामने भी मैंने इसको अप्लाई किया। तो बेसिकली ये सब तमाम कुछ होता है जब आप इनके इसके साथ प्ले करेंगे। जिस दिन आप प्ले करना देखें
अगर मैं कंट्रोल जे करूं, एक दफ़ा दोबारा फिर कंट्रोल जे, और इन दोनों को, तीनों बल्कि दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मूव कर देता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि अभी इसमें कोई इतना वो है, मतलब ऐसे एटलीस्ट ये शो रहा है कि ये वॉल पे ये चीज़ चिपकी हुई है। और अगर आप अपना ओरिजिनल वो शो करते हैं उसको भी फिर बेशक शो कर सकते हैं, बट उसकी जो है नीचे की ओपेसिटी में हाई कर दूँ। इतना आपने कलर पर छोड़ना है ताकि ये जो ईंटें वगैरह हैं ये स्टोन्स तो ये शो हो सकें। ठीक है, सब कुछ करने के बाद सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई, सबको आपने नहीं करना बट मैंने सबको कर दिया है अभी, कंट्रोल एम या फिर इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आप के इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, और दोबारा इमेज एडजस्टमेंट, और इस दफ़ा हैवी सिचुएशन जिसकी शार्ट कमांड कंट्रोल यू है, इसके साथ भी फिर ऐसे आप प्ले कर सकते हैं जहाँ पे आपको कलर्स अच्छे लगते हैं। और तो बस आप वहाँ पे इसको छोड़ दें। और कंट्रोल जे करें, डुप्लीकेट कॉपी, फिल्टर, ब्लोर, गार्जियन ब्लोर थोड़ा सा कम, ओके कर दें। इस पर लेयर मास्क अप्लाई करके कंट्रोल आई, ब्रश टूल एक्टिव करें, सॉफ्ट ब्रश आपको होना चाहिए, और साइज ज़्यादा कर दें, पर कैसा ना करें इसको कंट्रोल आई दोबारा करें, सिर्फ मतलब पूरी लेयर पे, यहाँ पे ये जो लेयर है इस पूरी लेयर पे ये ब्लर इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए। जस्ट अभी वाइट कलर करके, सॉरी ब्लैक कलर करके इस टेक्स्ट से आपने इरेज कर लेना है। ठीक, तो ये भी आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसको आप फाइवर पे ये सेल, मतलब अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो चीज़ें सेलेबल हैं और सेल होने के काबिल होंगी। तो इस तरीके से जैसे आप लोगों को मैंने भी बताया, वॉल पे या फिर आप किसी भी, मतलब मॉकअप का मतलब ही यही होता है, किसी भी चीज़, किसी भी रियलिस्टिक लुक जो कि हम नॉर्मल लाइफ में डेली हम देखते हैं उसको, और उस पर मतलब हम बिलीव रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर उसके अंदर होती रहती हैं और हम बिलीव रखते हैं। आप अगर कोई ऐसी कोई कार्टून वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ उस पर मतलब हम देखते तो हैं लेकिन इतना हमारा यकीन नहीं होता, तो मॉकअप का मतलब यही होता है कि चीज़ ओरिजिनली तरीके से जब उस जगह पे पेंट की जाती है या बनाई जाती है या डिज़ाइन की जाती है तो कैसे शो होगी। इसीलिए लोग मॉकअप यूज़ करते हैं कि जब उनका लोगो या फिर उनका डिज़ाइन उनके ऑफिस वॉल पे अप्लाई किया जाता है या फिर बिलबोर्ड पे डिज़ाइन अप्लाई किया जाएगा तो कैसे शो होगा। तो ये तमाम कुछ आप मतलब जस्ट आपने गूगल इमेजेस, इमेजेस डॉट कॉम से इमेज उठानी होती है, और कहीं से भी आप इमेज उठा सकते हैं, पिकअप डॉट कॉम से उठा सकते हैं, बाकी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से जहाँ पर वो आपको अगर फ्री देते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं तो आप कोई मेम्बरशिप ले सकते हैं।
और ऐसे ही आपने फिर उसको अप्लाई कर देना है। और फाइवर पे आई होप कि इससे आप इजीली अर्न कर सकेंगे। अगर इससे आपको मतलब स्टार्ट में ऑर्डर नहीं भी मिलते तो आपका जो बाकी मतलब जो ग्राफिक के काम हैं उनमें आपको काफ़ी आसानी होगी।